वैसे तो आपने पुलिस के बारे में कई किस्से सुने होंगे, कई ऐसे चुटकुले भी बनाए गए हैं जिसमें कहा गया है कि अगर पुलिस चाहे तो किसी को भी शेर बना दे। ऐसा ही कुछ हुआ जब शक के आधार पर युवकों के साथ मारपिटाई की घटना सामने आई, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर तो सवालिया निशान खड़े होते ही हैं। वहीं युवकों का कहना है कि उनके साथ मारपीट भी बिना जांच किए की गई। यह घटना जितनी हास्यप्रद है उतनी ही गंभीर भी है। किस तरह से पुलिसकर्मी किसी के साथ इस तरह बिना किसी बात के मारपिटाई कर सकते हैं? बता दें कि राज नाम का व्यक्ति अपने साथियों के साथ जेसीबी को सुधरवाने के लिए नेवेरी गांव गया हुआ था, जिसको वापस लौटते समय रात हो गई। जब वह फतेहगढ़ थाना अंतर्गत पहुंचा तो रास्ते में उसे ऑल्टो कार खड़ी दिखाई दी, जिसे बाहर कुछ लोग भी खड़े थे। इन युवकों ने समझा कि उनके साथ लूट की वारदात होने वाली है, जिसके चलते इन युवकों ने अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार से भगाना शुरू किया। आगे रोड पर पुलिस की गाड़ी देख इन्होंने अपनी गाड़ी को स्लो किया और पुलिस के कहने पर गाड़ी रोकी तो पुलिस ने आओ देखा ना ताओ इनके साथ मारपिटाई शुरू कर दी। युवक लाख पूछते रहे कि आखिर कारण क्या है, क्यों मार रहे हो, लेकिन पुलिस कर्मी थे कि उन्हें कुछ बताने को तैयार नहीं। वह इतना ही नहीं, मारपिटाई तो की, साथ ही इन युवकों की गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ की गई। जब युवकों ने बार बार पूछा तो पुलिस कर्मियों ने उन्हें साइड में खड़ा कर उनकी गाड़ी की तलाशी ली, जिसमें कुछ ना मिलने पर उन्होंने कहा कि आजकल स्मैक की वारदातें बढ़ गई हैं, इस वजह से हमें थोड़ा सख्ती से पेश आना पड़ रहा है। पूरी घटना के बारे में युवकों ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष ज्ञापन भी दिया है, पर समझ से परे है कि जिस पुलिस को देखकर लोग आश्वस्त हो जाते हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा, अगर वही इतनी बर्बरता दिखाने लगे तो आम लोगों का विश्वास किस पर करें। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक को होने के बावजूद भी वे कैमरे के सामने कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे। शायद यही सब कारण है कि क्यों लोगों का पुलिस पर से विश्वास उठने सा लगा है। शायद यही कारण है कि जिसकी परिणति है कि कुछ पुलिस कर्मियों के साथ आए दिन हादसे भी होते हैं। वहीं एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि अगर युवकों के साथ कुछ बड़ा हादसा हो जाता तो इसके जिम्मेदार कौन होता? हम लोग तो रात को गए थे कि वो गाड़ी जो प्रॉब्लम आ रही थी बंद हो गई थी, तो वो लेके गए थे मैकेनिक वगैरह, तो हम लोग वहां से लौट रहे थे ना, तो नेवेरी का जो मोड़ है ये मैंने वो थाने में ही फोटो खींची, कैप्चर कर लिया था। ऑल्टो थाने पकड़ ली थी क्या? नहीं, ये ऑल्टो गाड़ी आई थी। ऑल्टो इसमें मैं निवेरी से आ रहा था, तो कुछ सिविल ड्रेस वालों ने एक अल्टो गाड़ी थी जिसमें कोई पुलिस का नामो निशान नहीं था, उन्होंने मुझे रोका और एक उतरा उसने गाड़ी में डंडा मारा। मैंने सोचा गुंडे हैं, तो मैंने वहाँ से गाड़ी भगाई, आगे जाके पुलिस वालों ने गाड़ी रोकी, पुलिस वालों ने गाड़ी रोक के और उतार के मारने लगे। कुछ नहीं किया, बस उतार के अच्छे से ही मारने लगे। तो बाद में उन्होंने जाँच वगैरह करी तो बोलते हैं अरे वो आजकल स्मैक वगैरह का हो रहा है, तो हमने कहा मारा क्यों आपने, आप पहले जानकारी ले लेते, फिर बाद में रिलीज कर दिया था उन्होंने। तो कौन से थाने का मामला था ये? ये फतेहगढ़ थाने का। अच्छा, और आप कहाँ रहते हैं? गुना। तो किस काम से गए थे आप उधर? हम लोग जेसीबी सुधारवाने गए थे, हमारी जेसीबी चल रही है फॉरेस्ट में, तो वो थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो मैकेनिक दो मैकेनिक। रात में कितने बजे का मामला था? रात में ये 9:30 बजे का, 10-11 बजे करीब का मामला। वो थाने पहुँचने के बाद फिर आपने बात करी कि हमें मारा क्यों ऐसा करके? हाँ, सब बोला। क्या बोलने लगे? जब तक चेकिंग नहीं कर ली अब तक कुछ भी, और मारने का तो कोई वो नहीं, वो तो दे ही नहीं रहे थे कोई एक्सप्लेनेशन मारने की। तो आपको जब पुलिस वालों ने वहाँ पकड़ा था रोड पे, तो कुछ आपसे कुछ कहा भी था उनने? वो उन्होंने एक बार भाई को अलग से ले जाके पूछी, पूछताछी करी कि अगर आपके पास कुछ हो, कुछ गड़बड़ हो तो आप यहीं बता दो, अपन यहीं सेटलमेंट करके, मतलब उसको बहलाने के लिए कि ये कुछ बता दे, बाकी अपना कुछ था ही नहीं ऐसा। तो अभी एसपी साहब से मिले आप, तो क्या आश्वासन दिया एसपी साहब ने? उन्होंने बोला कि हाँ मैं अगर मारा है तो उसकी वो करूँगा, आवेदन अभी मैं सबमिट कर दूँगा तो वो एक्शन लेंगे उस चीज़।